मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या, फॉर्मूला क्या होता है? तो बात करूं भैया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? एक कोई सोर्स पोल है बड़ा पोल और एक करंट पोल है। अगर सोर्स की वजह से यूनिट पोल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उससे पता लगेगा कि सोर्स की फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। अगर सोर्स ज्यादा, सोर्स की वजह से यूनिट पोल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो तो सोर्स की फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और सोर्स की वजह से यूनिट पोल कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो वही कब है दी फोर्स, यहां पे कब है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल ड्यू टू फोर्स पोल इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या रखा है भैया यहां पे, इसको डेरिवेशन कराने से पहले, ये डेरिवेशन ऊपर आ गई कराने से पहले, कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स की। क्या होती है भैया? फोर्स। कौन सी भैया, कौन से फोर्स के, जो यूनिट पोल एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसकी वजह से फोर्स की वजह से। क्या भैया, तो b = k टाइम्स ऑफ f, तो b = μ f, k की वैल्यू क्या होगी, नंबर होती है, तो b = μ f की वैल्यू क्या होगी, μ और 4 π। अच्छा है, देखिए पोल पहला पोल क्या भैया m है, इसे हमने सोर्स पोल नाम दिया। और ये क्या भैया दूसरा, दूसरा पोल क्या भैया यूनिट पोल है, क्या है, और दोनों के बीच की दूरी क्या भैया 1 है, उनके बीच का फोर्स निकालना होगा। अलग अलग मैग्नेट के पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है 1 है, दूसरे की क्या है भैया m, तो क्या होगा m m1, दूसरा क्या होता है m2 अपॉन में दूरी कितनी भैया 5 का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा भैया, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में r। एसआई यूनिट क्या होती है, क्या होती है भैया, टेस्ला, ठीक है भैया। और वेक्टर फॉर्म क्या होती है इसकी, देखिए भैया वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो v वेक्टर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर, ये ना मैग्नीट्यूड क्या है, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में r स्क्वायर, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। और ये जो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये हो गया, लेकिन डायरेक्शन होती है या तो इस चार्ज से दूर निकलेगा या पास में, मतलब रेडियस की ही डायरेक्शन में होगा, जो भी होगा रेडियस की, तो डायरेक्शन में होगी इसकी रेडियस। तो b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, डायरेक्शन क्यों लिए, या तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी या अंदर, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउट, ठीक है। तो इसलिए हमने रेडियस के डायरेक्शन लिए, ठीक है भैया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाला से करा था, इतना ही बड़ा टॉपिक था, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। दोबारा बोलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं होता, यूनिट पोल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स होता है, ठीक है भैया। ये ज्यादा यूनिट पोल ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो सोर्स की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मुझे किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे अंदर नॉर्थ, नॉर्थ क्या पॉजिटिव है, इससे फील्ड लाइन क्या होगी बाहर निकलेगी, तो नॉर्थ की फील्ड लाइन क्या होगी बाहर आएगी। ये साउथ क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव के अंदर फील्ड लाइन आती है, तो इसकी तरफ आना, ठीक है भैया। दोनों फील्ड लाइन पूछे क्या है, किसकी फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, नॉर्थ की ज्यादा वैल्यू होगी पास में, साउथ दूर है, इसकी फील्ड की वैल्यू यानी ज्यादा वाली वाली कम, तो दिस माइनस दिस, ठीक है भैया। अच्छा एक बात आइए, नॉर्थ की दूरी कितनी है, तो आपको पता है भैया ये इसके इस डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी r है, तो नॉर्थ की दूरी कितनी है, इसमें से इसको घटाओगे तो कितनी है, r माइनस d, ठीक है। और साउथ की दूरी कितनी है, इसमें इतना जोड़ो तो क्या होगा r, समझ लो भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की कितनी बताइए, नॉर्थ की फील्ड म्यू नॉट 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, m अपॉन में r, दूरी कितनी है भैया नॉर्थ की, r माइनस l का होल स्क्वायर। और साउथ की दूरी कितनी भैया, म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया। अच्छा दोनों की वैल्यू यहां कीजिए, तो vp = म्यू नॉट 4 पाई कॉमन आएगा और होल स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस r माइनस r का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। vp = म्यू नॉट 4 पाई, है ना, m
इसको सॉल्व करोगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर कर लोगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2 r फिर माइनस बीच में इसकी मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2 r अपॉन में नीचे का a प्लस b का होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का क्या होगा होल स्क्वायर ये हो गया आपका ठीक है अभी एक चीज देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 बाय m और क्या होगा r स्क्वायर l स्क्वायर प्लस 2 r माइनस मिलता है ये माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और जो प्लस टू आर एल अपॉन में क्या गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अच्छा एक बात बता दूं भैया यहाँ पर कंडीशन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी आर जो है वो एल से क्या लिया बहुत बड़ा है जो दूरी है वो इसके साइज से क्या है बहुत बड़ी है तो भैया आपको पता है अरे थोड़ी देर हाँ हेलो क्लास के बोल हाँ हेलो क्लास के अरे क्लास कर रहे हैं बालू ठीक है ओए सही है तो देखिए मोबाइल ये और ये कैंसिल हो गया ना ये प्लस हो गया तो क्या हुआ अच्छा एक बात बता दूँ भैया आर क्या बहुत बड़ा है एल क्या है तो आर का स्क्वायर क्या हुआ बहुत बड़ा और एल का स्क्वायर क्या हुआ तो बहुत बड़े में जोड़ो या घटाओ क्या होता भैया बड़ा ही बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर एल आर बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा दोनों को माइनस करो तो क्या आर स्क्वायर बहुत बड़े में बहुत छोटे को जोड़ो या घटाओ तो फिर बड़ा ही वाला तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 बाय एम और क्या हुआ 4 आर हो जाएगा 4 आर एल 2 आर एल 2 आर एल 4 आर को क्या 2 आर रूट में और नीचे क्या हुआ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है अच्छा देखिए एम इंटू में ट्वेल्व क्या रहा याद आपको डायपोल में ट्वेल्व क्या था तो बी सी कुछ भी था न्यू नॉट फोर पाई और क्या हुआ कैपिटल एम और क्या हुआ टू आर और नीचे क्या हुआ आर की पावर चार और चार में ये और क्या हुआ तीन हो गया तो मैंने भी डायपोल भी है न्यू नॉट फोर पाई एक हुआ टू एम अपॉन में आर ये मैग्नेटिक फील्ड का है इतना ही गया था बाकी मैच में इसके आगे अच्छे से नोट तैयार कर लेंगे मिलते हैं क्लास में चला बाय जय हिंद अरे देख लिया